हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज 23 जुलाई 2020 है और 23 जुलाई 2020 की जो महत्वपूर्ण खबर है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड से जो खबर है, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती और मिनिस्ट्रियल पदों पर भर्ती जो आपकी लिपिकीय वर्ग की होनी है, टोटल मिलाकर के 7400 पदों पर यानी 6130 पदों पर SI यानी सब इंस्पेक्टर की डबल स्टार की भर्ती होनी है और बाकी 1300 से 1400 के आसपास मिनिस्ट्रियल भर्ती आपकी होने वाली है। अब इसके संबंध जैसा कि मैंने आपको 2 दिन पूर्व भी, जी हाँ, आपके अपने चैनल राहुल वाईफाई चैनल ने 2 दिन पूर्व भी आपको सूचित किया था कि आपकी परीक्षाएं कुछ भी कर ले भर्ती बोर्ड, अभी तैयारियां पूरी नहीं है, वो दिसंबर में ही होंगी। तो ऐसा ही है, परीक्षा दिसंबर में होने की संभावना बढ़ चुकी है। अब ऑनलाइन आवेदन के लोग करके जो मैं डेट आपको बताया था कि वो 15 अगस्त के बाद, तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि किस डेट में, किस वीक में आपका जो है शुरू हो जाएगा ऑनलाइन आवेदन। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी, बात की जाएगी, आप अंत तक इस वीडियो में बने रहे। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दरोगा भर्ती को लेकर के, जो महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है आज न्यूज़पेपरों में भी। तो पुलिस विभाग में 13,000 से ज़्यादा पदों पर जो भर्ती होनी है उसकी परीक्षा नवंबर दिसंबर में कराई जाएगी। आप देख सकते हैं लखनऊ से ये हमें आज खबर प्राप्त हो रही है, सहारा न्यूज, जी हाँ, सहारा न्यूज पेपर से है ये, लखनऊ से खबर है। आज की पेपर में ये खबर है कि पुलिस विभाग में 13,000 से ज़्यादा पदों के लिए भर्ती परीक्षा नवंबर में, यानी 6130 दरोगा भर्ती और बाकी मिनिस्ट्रियल के साथ साथ फायरमैन को लेकर के भर्ती परीक्षा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पुलिस विभाग में जल्द नई भर्तियां शुरू होने वाली है। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड 13,235 पदों पर भर्ती के लिए नवंबर और दिसंबर माह में लिखित परीक्षा आयोजित कराने की तैयारी में है। इसमें महिला पुरुष व सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर व फायर सर्विस स्टेशन अफसर के 6130 पदों पर, ASI मिनिस्ट्रियल के 1300 पदों के अलावा 5805 जेल वार्डन के पदों पर भर्ती होना। यहाँ मैं रुकूंगा। मैं जेल वार्डन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 5805 पदों पर जो भर्ती परीक्षा वो सितंबर में आपकी होनी थी लिखित परीक्षा, लेकिन कोरोना महामारी, जी हाँ, वैश्विक जो महामारी चल रही है कोरोना COVID-19, अब वो परीक्षा पोस्टपोन करके वो नवंबर पहुंच गई है, आपको पता होगा। तो नवंबर के बाद ही आपकी दरोगा भर्ती की परीक्षा हो पाएगी मिनिस्ट्रियल की, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में बिठा लीजिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने भर्ती परीक्षाओं को कराने के लिए कंपनी के लिए चयन के टेंडर जारी कर दिए हैं। टेंडर मैंने आपको बताया भी था, आप पिछली साइट पर अवेलेबल भी है, दिखाया भी था। भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष DG RK विश्वकर्मा ने बताया है कि SI के 6130 पदों भर्ती के परीक्षा कराने की कंपनी के चयन के लिए ओपन टेंडर जारी कर दिया गया है। आपने देखा होगा इसमें से 5623 पद महिला और पुरुष SI के लिए, 484 पोस्ट PSC के प्लाटून कमांडर की 23 और 23 जो है यहाँ से पद फायर सर्विस स्टेशन ऑफिसर भी शामिल हैं। इसके अलावा हम लोग 1300 ASI मिनिस्ट्रियल अकाउंटेंट व स्टेनो के पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए अगस्त के मध्य तक कंपनियों का चयन हो जाएगा। अब अगस्त के मध्य जो मैं आपको बताया था कि 15 तारीख के बाद ही, यानी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के बाद ही इसका ऑनलाइन आवेदन होगा, सितंबर में ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। तो महत्वपूर्ण चीज़ अब निकल के आ रही है, जो मैंने आपको बताया था कि 15 अगस्त के पहले किसी भी, जैसा कि आप लोग जानते हैं 20 अगस्त तक पूरी प्रक्रिया चलेगी टेंडर की, अब उसके बाद अब वो डेट अब देख सकते हैं सितंबर में पहुंच चुकी है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि 10 लाख से ज़्यादा आवेदन आने की उम्मीद भी जताई है भर्ती बोर्ड की तरफ से। भर्ती बोर्ड ने निविदा कंपनी को ये भी सूचित किया कि हमें 10,000 MCQ क्वेश्चन चाहिए, 30 शिफ्ट में हमारी परीक्षाएँ होंगी और 10 लाख छात्रों के लिए पूरी तैयारी ये करना होगा आप लोगों को। तो ऑनलाइन आवेदन अब जो है मित्रों, ये सेकंड वीक जाएगा आपका सितंबर में, जी हाँ, सितंबर के दूसरे सप्ताह में दरोगा भर्ती के लिए आपकी ऑनलाइन आवेदन शुरू होगी। एक बड़ी चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये बताई जा रही है, आवेदन आने की उम्मीद है। नवंबर और दिसंबर परीक्षा के बाद जनवरी में आपकी कापियाँ स्कैन कराई जाएंगी, वहीं मार्च तक शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी जो भी आपको पूर्व बताया गया था, मैंने आपको बताया था कि मार्च अप्रैल तक ये भर्ती पूरी प्रक्रिया हो पाएगी। और भर्ती बोर्ड ने भी इसके संबंध में आज ऑफिशियली बयान जारी कर दिया है। इस तरह से भर्ती बोर्ड पुरुष जेल वार्डन के 3012 और महिला जेल वार्डन के 626, घुड़सवार पुलिस के 102 और फायरमैन के 2065 पदों पर भर्ती के लिए ऑफलाइन परीक्षा नवंबर में कराने की भी तैयारी है। आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, जो फायरमैन की होनी हो तो आप ऑफलाइन मोड होगा, बाकी CBT होगा।
चाहे मिनिस्ट्रियल हो या फिर दरोगा भर्ती, जैसा कि अपने 2016 की भर्ती देखी भी होगी। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ थी आज से परीक्षा नामकरण की तैयारी में, और डीजी ने यह भी बताया कि एसआई स्टोनो गोपनीय सहायक के 117 पदों के अगस्त 2019 में आए रिजल्ट में भी एक अभ्यर्थी पास नहीं हुआ था, सभी अभ्यर्थी शॉर्ट हैंड राइटिंग में फेल हो गए थे। अब ये जो 170 पदों पर एसआई स्टोनो की जो पद थी उसके संबंध में उन्होंने जानकारी दी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मार्च तक आपका रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा फाइनल तौर पर दरोगा भर्ती का। तो आज के लिए महत्वपूर्ण खबर थी जो राहुल वाईफाई स्टेशन के माध्यम से पहुंचाई जा रही है आप तक, यानी पूरी तरीके से आपके अपने चैनल की जो खबरें बताई गई थी वो पूरी तरीके ऑथेंटिक हैं, पूरी तरीके से उसमें सच्चाई है, आप देख सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ लगातार आप लोग इस वीडियो को जो है शेयर करते रहिए, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं दूर दराज के क्षेत्रों में, आप जैसे कि तैयारी कर रहे हैं कहीं पर, प्रयागराज में हैं, लखनऊ में हैं, बनारस में हैं, मेरठ में हैं या फिर किसी भी शहर में हैं, तो आप लोग प्लीज़ अपने जो भी आपके ग्रामीण क्षेत्र के दोस्त हैं उन तक ये खबर जरूर पहुंचा दीजिएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर फेसबुक के माध्यम से, है ना। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ आज तक पहुंचाई गई है राहुल वाईफाई स्टेशन के माध्यम से। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो, ये खबर आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।